मेरे बच्चे मेरी प्रेगनेंसी की भी बहुत मजे वाली एक रिपोर्ट है अच्छा वो ये है कि मैंने एक बहुत अच्छी एयरलाइन में अप्लाई किया अच्छा नादिया आपने बताया कि आपकी शादी के चार साल के बाद आपका बेटा हुआ तो मतलब डेफिनेटली ये तो एक हमारा सोसाइटी का एक अलमिया है कि आपको ट्रिगर किया जाता है आपसे सवाल किए जाते हैं और ये तो सभी तय कर लेते हैं कि कुछ हो ना हो माँ में ही कोई खराबी होगी या जो कुछ भी है मतलब आपको इस तरह के ताने सुनने के लिए मिले ससुराल की तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से घर वालों की तरफ से दो सहबाब दो सहबाब की तरफ से तो नहीं लेकिन ये ससुराल में एक आध दफा मुझे जैसे इस चीज को प्रेगर किया गया कि जो है मतलब आप टेस्ट क्यों नहीं करवा रही आप जा क्यों नहीं रही अपना चेकअप क्यों नहीं करवा रही हो मतलब क्या वजह है तो हम लोग यही कहते थे मैं और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी तो हम लोग ये अल्लाह पाक देगा तो वो हो जाएगा और बस फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब नहीं हुआ तो फिर हम उनकी दूसरी शादी के लिए लेके जाएंगे इस तरह की बातें हुई थी और मेरे बच्चे मेरी प्रेगनेंसी की भी बहुत मजे वाली एक रिपोर्ट है अच्छा वो ये है कि मैंने एक बहुत अच्छी एयरलाइन में अप्लाई किया था और

और फिर oh. मैं वो करियर नहीं परसों कर सकी गॉड सीरियसली सीरियसली और अच्छा ससुराल में ये बातें हो रही थी कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा हाँ और वहां जब आप गई तो ये बच्चा कहा मतलब <laughs> तो मैं ये तो सोच रही थी कि यार चलो पहले क्योंकि आपको तो मेंटली डिप्रेशन हाँ। में तो आ ही जाता कि यार क्यों नहीं हो रहा क्या वजह है ऑल दो ऐसा कोई मसला नहीं था मसला सिर्फ मेरा वेट था, भी मेरा हो गया था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने डाइट की अपना वेट को नॉर्मल लाने के लिए तो वो चीज क्लियर हो गई लेकिन जब क्लियर हुई तो दूसरी चीज हो गई सही सही <laughs> लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इन लॉज मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत केयरिंग है मेरी जिठानी बहुत केयरिंग है बहुत मेरा उन्होंने साथ दिया हर चीज के लिए मतलब जिस मीन टाइम पे मैं जिस टाइम पे मैं ऑफिस होती हूँ तो वो उस टाइम पे मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करना मेरे बच्चों को बहुत बढ़िया बहुत केयरफुली मतलब बहुत अच्छे तरीके मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से सुनाना आम लेती तो ये उनका मतलब अच्छा आप लकी हैं मतलब आई एम लकी कि मेरे इन लॉज देखिए ये होता है गॉड की तरफ से कि कुछ चीजें जब आपकी तरफ आपको नहीं मिल रही होती जैसे कि अब आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं होते तो ऑब्वियसली ये एक गैप है कि उनकी मजबूरी भी है जाहिर काम और या कोई भी मतलब कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है